नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। चलिए रुख करते हैं आज की कुछ बड़ी सुर्खियों की तरफ। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि आम जनता के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन 29 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। हाथरस यौन शोषण केस में जमानत पर चल रहे आरोपी ने सोमवार को पीड़ित के पिता को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर अपना पूर्व अनुमान जारी कर दिया है। अगले 3 महीने मार्च से मई तक ना तो दिन में राहत मिलेगी ना ही रात में गर्मी से राहत मिलेगी। आज मिशन बंगाल पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मालदा में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी में आज बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा और रोड शो का कार्यक्रम। बंगाल में गठबंधन को लेकर कांग्रेस की सियासत गरमाई। डीजल और पेट्रोल के दामों में अब लोगों को राहत मिल सकती है, घटाने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 12,286 नए मामले आए सामने, वही 91 लोगों की हो गई है मौत। पूर्व क्रिकेटर और मुंबई के चीफ सिलेक्टर सलिल अंकोला हुए कोविड पॉजिटिव। और ऐसी ही बड़ी न्यूज सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।